अब जो है ना वो दूध का दूध एंड पानी का पानी होने वाला है। कौन सी वैक्सीन चलेगी, कौन सी वैक्सीन बेकार है, सारी चीज पता चल जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसे मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में ताकि आप सभी को मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करो। यहाँ पे दोस्तों अब तक जो चल रहा है ना वो किस तरह की प्रोसेस है कि सर्टेन ग्रुप को वैक्सीन दी जा रही है, सर्टेन ग्रुप को प्लासेबो दिया जा रहा है और उसके बाद वेट किया जाता है कि वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाए, अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज में वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए। तो ऐसे में जो है ना बहुत ही कम केसेस सामने निकल के आते हैं जिससे एफिशिएंसी का एग्जैक्ट पता चलना मुश्किल है। लेकिन अब यूके में एक ऐसी चीज होने वाली है जिससे हमें 100% पता चल जाएगा कि भाई वैक्सीन में दम है या नहीं, क्या बेकार वैक्सीन है क्या अच्छी वैक्सीन है, सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। क्या होने वाला है, यूके में ह्यूमन चैलेंजेस क्लिनिकल ट्रायल्स होने वाले हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव हो गए, क्यों, क्योंकि इसमें 2000 लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, उन्हें अननोन वैक्सीन दी जाएगी, मतलब जितनी भी वैक्सीन हैं वो पार्टिसिपेट करेगी ये ट्रायल्स में और उन्हें अननोन वैक्सीन दी जाएगी, उन्हें नहीं पता होगा कि उन्हें कौन सी वैक्सीन मिल रही है। और उसके बाद जैसे कि एक सर्टेन पीरियड होता है कि इतने दिन बाद जो है ना वो इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है, फिर उतने दिन बाद जो है ना वो उन्हें कोरोना वायरस से इन्फेक्ट किया जाएगा। जिस तरह से मंकीज पे ट्रायल्स होता है ना, उन्हें वैक्सीन देने के बाद उन्हें वायरस से इन्फेक्ट करने की कोशिश की जाती है, उसी तरह से ये 2000 लोगों को इन्फेक्टेड करने की कोशिश की जाएगी और देखा जाएगा कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन कितना प्रोटेक्शन देती है, सारी चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएगी। इस तरह से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे जितनी भी स्टडी होगी ना वो इंपीरियल कॉलेज जो है ना वो करने वाली है और ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक बुरी खबर है कि एस्ट्राजेनेका जो है ना ये स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ऐसा अपडेट उन्होंने बताया है। आने वाले समय में अगर करती है तो अच्छा है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है ये ट्रायल में पार्टिसिपेट करती है। मैं आशा रखूंगा कि इंडिया की भी कोई एक वैक्सीन यहाँ पे जाए ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि कितने हद तक हमें प्रोटेक्शन जो है ना वैक्सीन से मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसे ह्यूमन चैलेंजेस वाले ट्रायल्स इंडिया में होने चाहिए? अगर आपको लगता है तो कमेंट में मुझे बताओ कि आपको क्यों लग रहा है नहीं होने चाहिए, तो क्यों नहीं होने चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।